इंग्लैंड में होने वाले 2019 विश्व कप को वैसे अभी लगभग 1 साल 6 महीने बचे हुए हैं, मगर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अभी से ही 2019 विश्व कप की तैयारियां शुरू कर दी है। तभी तो श्रीलंका टीम पर 5-0 से सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह 2019 विश्व कप में किस तरह की प्लेइंग 11 चाहते हैं। विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 2019 विश्व कप की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हुए कहा, मैं 2019 विश्व कप से पहले भारत की ऐसी प्लेइंग 11 बनाना चाहता हूं, जिसमें कोई भी बल्लेबाज किसी भी क्रम व किसी भी स्टेज पर बल्लेबाजी करने को तैयार रहे और सभी गेंदबाज थोड़ा बल्लेबाजी भी कर सके और इसके साथ सभी खिलाड़ी फील्डिंग में शानदार भी हो। और अगर ऐसी प्लेइंग 11 हम 2019 विश्व कप से पहले तैयार कर पाते हैं तो जरूर हम विश्व कप को जीत सकते हैं। अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कोहली ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि पूरी सीरीज में अक्षर पटेल ने बल्लेबाजों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और अपनी अतिरिक्त गति से उछाल को प्राप्त किया, जिससे उसे इस सीरीज में सफलता हासिल हुई। कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की तारीफ करते हुए कोहली ने आगे अपने इंटरव्यू में कहा, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल एक कलाई के स्पिनर हैं। कलाई का स्पिनर हमेशा अपनी विकेट निकालने की कला से मैच में बने रहता है। मैं निश्चित रूप से अपने तीनों ही स्पिनरों से बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि तीनों ने ही श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कोहली ने आगे अपने इंटरव्यू में कहा, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपने को इस सीरीज में साबित किया है। किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 15 विकेट लेना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वैसे भी एशिया की पिचों में किसी तेज गेंदबाज का मैन ऑफ द सीरीज रहना ही एक बहुत बड़ी बात है, मगर बुमराह ने ये सब करके दिखाया है। दिन प्रतिदिन उसमें गजब का सुधार आ रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो अपनी ये शानदार फॉर्म जारी रखेंगे। इससे साफ होता है कि कोहली 2019 वर्ल्ड कप के लिए अक्षर पटेल, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को जरूर खिलाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या विराट कोहली नए बल्लेबाजों को भी मौका देंगे। इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरी दिल्ली हिंदी न्यूज़ चैनल को।